कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आरजे ज्योति, आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं हर बार हार कर भी मुस्कुराया हूँ, ऐ जिंदगी देख मैं तुझसे फिर से लड़ने आया हूँ। तो हार जीत जिंदगी का एक बेहद ही खास हिस्सा होता है, हम हारते नहीं तो सीखेंगे कैसे। और जीत तो हमें हर बार यह एहसास दिलाती है कि हमने अपने मकाम को हासिल करने में जो मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं सफल हुई। लेकिन अगर जिंदगी से हार कर अब बार बार लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा नहीं या कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जो कि आपको आपकी मंजिल पाने से रोक सके। तो अब हिमगिरी की इन्फोशाला में चलिए जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। तो अक्टूबर महीने का चौथा दिन यानी कि 4 अक्टूबर जो कि मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे के तौर पर, ये दिन असीसी के सेंट फ्रांसिस का जन्म दिवस भी है जो कि जानवरों के एक महान संरक्षक थे। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1931 ईस्वी में परिस्थिति विज्ञान शास्त्रियों के सम्मेलन में इटली के शहर फ्लोरेंस में शुरू हो गई थी। इस दिन का मूल उद्देश्य यही है कि विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा की जाए और मानव से उनके संबंधों को मजबूत किया जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिलहाल भले ही कम आ रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खतरा अभी भी टला नहीं है। लोगों को कोरोना से बचाव के सभी नियमों को लगातार पालन में लाते रहना चाहिए। तो साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की ही तरह साइनस संक्रमण के भी समान लक्षण हो सकते हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति देखने को मिलती है। तो देखा जाए दोनों संक्रमणों के लक्षण एक जैसे ही होते हैं, हालांकि जब आप गहराई से देखें तो दोनों में अंतर करना आसान हो जाता है। तो आइए आज के हेल्थ सेक्शन में जानते हैं कैसे इनके लक्षणों को पहचाना जाए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 और साइनस के ज्यादातर लक्षण समान हैं। सामान्य तौर पर नाक और सिर के अंदर मौजूद साइनस नलिकाओं में सूजन के कारण साइनस की दिक्कत होती है। इन हालातों में बलगम को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बंद नाक की समस्या हो सकती है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण में भी इस तरह से साइनस डक्ट में सूजन और सिर दर्द की समस्या होती है। दोनों में खास तौर पर ये अंतर है कि साइनस के संक्रमण को दिखने में ज्यादा समय लग सकता है, जबकि कोविड-19 के लक्षण जल्द ही नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सिर्फ साइनस में होते हैं, कोविड में नहीं, जैसे कि गाल के ऊपरी हिस्से, माथे या आंखों के अंदरूनी हिस्से के आसपास दबाव महसूस होना, दांत दर्द और सांस से बदबू आने की समस्या होना, नाक से अलग रंग का फ्लूइड निकलना, और कोविड-19 में सांस लेने में कठिनाई, शरीर में दर्द, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाना और साथ ही स्मेल और टेस्ट का गायब होना। तो इन लक्षणों पर आप ध्यान दें और साइनस और कोविड-19 के अंतर को पहचानें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आखिर में आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। तो कोरोना के इस महामारी के बाद जब धीरे धीरे अब हालातों में सुधार हो रहा है तो पर्यटन के क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह विश्व प्रसिद्ध राजा जी नेशनल पार्क के 2 गेट शुक्रवार से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के तहत इंडिया फॉर टाइगर्स रैली भी इस पार्क में पहुंची, जहां से सेव टाइगर का संदेश देकर कॉर्बेट के लिए वो रवाना हुई। और साथ ही 1-7 अक्टूबर तक राजा जी नेशनल पार्क में हाथी दिवस सहित कई कार्यक्रम होंगे। तो मोतीचूर और चीला गेट भी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, पर्यटक यहाँ पर जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात नए दिन की कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज़।